दोस्तों, आज हम गेहूं के आटे से चटपटी आलू की कचौड़ी बनाएंगे। थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। ये मेरे बच्चे इस तरह कर दिए हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाला है, थोड़ा सा धनिया डाला है मैंने। अब यहाँ पे दोस्तों मैं 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालूँगी। देख लीजिए, ये सफ़ेद तिल है, इससे नाश्ते में क्रंच आएगा दोस्तों। स्वाद अनुसार इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। 2 चम्मच हम इसमें दोस्तों घी डालेंगे। आप ऑयल भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल, और घी भी ले सकते हैं। इससे हमारे पूड़ियाँ करारे बनेंगे। अब हम इन सारे सामान को मिला देंगे अच्छी तरह। हम पहले इसको आटे में मिला देते हैं, देखते हैं कि मोयन परफेक्ट होगा कि नहीं। अगर नहीं होगा तो हम थोड़ा सा घी और डालेंगे इसमें। दोस्तों देखिए, मैंने घी को मिला लिया है। बस हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, ये परफेक्ट है दोस्तों। मैं भूल गई थी, यहाँ पे मैंने 2 मिर्ची को ये देखिए कूट के ले लिया है। आपके पास चिली फ्लेक्स हो तो डालें, ना हो तो स्किप कर सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आटा सॉफ्ट सा रोटी की आटे की तरह लगा के रख दिया है। अब मैं इसे जब तक फिलिंग बनाती हूँ तब तक ढक के रख दूँगी, इसे साइड करके रख दूँगी। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2 उबले हुए आलू लिए हैं, इसको कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पे देखिए, मैं स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। आपको बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखा स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं जीरा डालूंगी, थोड़ा सा मैं इसमें हरी मिर्ची भी डालूंगी। जैसा कि मैंने बताया, आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप तीखा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर 1 पिंच दे देंगे। इसमें चटपटा फ्लेवर है तो थोड़ा सा हम यहाँ पर आमचूर पाउडर डालेंगे। आप चाट मसाला या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मेरे पास है धनिया तो डाल रही हूँ, नहीं हूँ अभी नहीं ही है दोस्तों, क्योंकि धनिया तो 400 रुपये किलो है। हो तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए। ये नहीं है कि डाल भी कीजिए, घर के बेसिक सामानों से बनाइए। अब इन सारे मसाले को मैं मिला लेती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने आलू के मसाले को मिला लिया है। ना मैंने इसमें अदरक लहसुन प्याज का यूज नहीं किया है। आप चाहे तो एकदम बारीक प्याज काट के डाल सकते हैं, लेकिन नहीं डालिए। ये थोड़ा दूसरे तरीके से बना रही हूँ, इसका फ्लेवर थोड़ा अलग आएगा, तो मैंने स्टफिंग को मिला के रख लिया है। देखिए दोस्तों, मैंने इसके आलू के फिलिंग का यहाँ नींबू के आकार के छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ, ताकि कचौड़ी में डालने में आसानी हो, और इसलिए मैं बना के रख रही हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने 2 ही बड़े साइज़ के आलू लिए थे, इतने बॉल्स मैंने बना लिए हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मेरा इतना फिलिंग बचा हुआ है कि मैं बच्चे को सुबह में बना के नाश्ता दे दूँगी। देखिए हमारे आटा सेट हो गया है, तो एक बार मैं अच्छी तरह इन्हें फिर से मसल देती हूँ। और जितना रोटी बनाते हैं उतना बड़ा बड़ा हम लोई काट लेंगे इस। देखिए इस तरह, हम चाहे तो आप सूखा आटा लगा सकते हैं, ना चाहे तो ना लगाएं। इस तरह हम कटोरी का शेप देंगे। आप बेल भी सकते हैं, लेकिन ये आसानी से हो जाते हैं दोस्तों। किनारे को हम पतला रखेंगे और बीच में हमें मोटा रखना। एक बॉल रखेंगे यहाँ पे, और ये देखिए किनारे से हम दबाते हुए ये इसको पूरा को मिला देंगे, और सील करते हुए देखिए, और एक्स्ट्रा आटा को काट लेंगे। और बस थोड़ा सा आप चाहे तो अप्पे में भी बना सकते हैं, और हाथों की सहायता से ही हम इसे, क्योंकि आलू कद्दूकस किया हुआ है तो ये बहुत आसानी से हो जाएंगे, चपटा कर देंगे। इसी तरह हम सारे कचौड़ी को बना के तैयार कर। देखिए दोस्तों, मैंने सारे कचौड़ियों को भर के बना लिया है। 1.5 कप आटे से ये 16 कचौड़ी हुए हैं दोस्तों, जो 4 आदमी के लिए पर्याप्त है। देखिए दोस्तों, मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अब यहाँ पे आपकी मर्जी होनी चाहिए कि आप आधा किलो तेल में डुबा डुबा के छानना चाहते हैं या
दो चम्मच तेल। मैंने 200 ग्राम के करीब रखा है दोस्तों। और मज़ेदार बात बताऊं, यहाँ पे आप कोई सा भी तेल यूज कर सकते हो, घी तेल, रिफाइंड ऑयल, कुछ भी नहीं तो सरसों का तेल भी यूज कर सकते हो, फिर भी आपके कचौड़ी ख़राब नहीं होगी। अब यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, तेल हमें हल्का ही गर्म चाहिए। हम यहाँ डाल देंगे और धीमे धीमे आँच में लो टू मीडियम गैस रखेंगे और कचौड़ियों को फूल के खुद ब खुद ऊपर आने देंगे। उसके बाद हम इसे टच करेंगे, बीच में टच नहीं कीजिएगा, जितना आएगा उतना हम डाल देंगे। देखिए दोस्तों, जितना इसमें अटेगा हम डाल देंगे। देखिए मैंने एक बार में 7 कचौड़ी डाला है। अब मैं लो टू मीडियम गैस पे इसे खुद ब खुद ऊपर आने दूंगी, फिर इसे हम पलटेंगे। देखिए दोस्तों, 2-3 मिनट ही हुए हैं और हमारे सारे कचौड़ी देखिए फूल के ऊपर आ गए। अब यहाँ क्या करना है आप लोगों को कि आपको पलटे से नहीं पलटना है, छुन्नी जैसे उससे नहीं, बस ये देखिए चम्मच या फॉक के सहायता से धीरे धीरे इसको हम पलट देंगे। ये गुब्बारे के जैसे गेहूं के आटे के कचौड़ी आपका बनेंगे। आप ये ट्रिक सारे फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि आपके कितने लाजवाब कचौड़ी बनती है। आपके बच्चे या फ्रेंड्स जो भी आएंगे ये कचौड़ी खा के नहीं कहेंगे कि हमें मैदे वाला बाजार की कचौड़ी खानी है। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा कि आने वाली सबसे पहले वीडियो आपको मिले। और दोस्तों के साथ, फैमिली रिलेटिव सब के साथ शेयर कीजिएगा कि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं इतना गर्मी में मेहनत करती हूँ दोस्तों। तो ये अब पेशेंसली हमको 2-3 मिनट इधर से भी सीखने देना है, बस इसी तरह धीमी आँच करेंगे। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाएगा, आँच हमें लगेगा तेज़ है, तो हम और भी थोड़ा सा लो कर देंगे। तो 2-3 मिनट इधर से भी सीखने देते हैं। देखिए दोस्तों, अब 2 मिनट हो गए हैं तो हम इन्हें इधर से भी पलट देते हैं। बस अब ये कचौड़ी हमारी तैयार है। बस 15 सेकेंड में दोस्तों ये कचौड़ी तैयार हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अब हमारी कचौड़ी तैयार हो गए हैं। बस अब हम एक एक करके निकाल देंगे और इसी तरह हम अपना दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारे फूले फूले कचौड़ी देखिए तैयार है। इसमें आपको कोई चटनी प्याज की ज़रूरत नहीं है और मैंने ये मिर्ची फ्राई किया है। ये गेहूं के आटे का है तो थोड़ा लाल लाल आप तलिएगा। और ये देखिए, ये कितने, देखिए ये क्रिस्पी, देखिए ये और करारे करारे, और गेहूं से आटे से है तो ये हेल्दी भी बहुत है। तो इन्जॉय कीजिए इस तरह बना के क्रिस्पी क्रिस्पी कचौड़ी का, और जो भी गेहूँ के आटे से है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का साथ शेयर कीजिए, फैमिली रिलेटिव सबके साथ शेयर कीजिए और अपने बच्चों को लंच में बना के दीजिए ये टेस्टी टेस्टी आलू की कचौड़ी। ये बहुत ही चटपटी और डिलीशियस लगता है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।